आज हम आपको CSB बैंक के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। बैंक की क्या सर्विसेज हैं, इस बैंक के क्या फाइनेंशियल्स और टेक्निकल्स हैं, क्या आपको इसके शेयर्स खरीदने चाहिए, किस प्राइस पर खरीदें, किस प्राइस पर बेच दें, कितने दिन होल्ड करना पड़ेगा, टारगेट क्या है, ब्रोकरेज फर्म्स की क्या राय है, एनालिस्ट का क्या कहना है, रिसर्च रिपोर्ट क्या है इस बैंक की, सारे प्रश्नों के उत्तर हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो को स्किप ना करें, आधा अधूरा वीडियो देखकर कभी कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और हमें संपर्क करें। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। डिस्क्लेमर को अवश्य पढ़ लें। हमारी प्रीमियम सर्विस को सब्सक्राइब करिए। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, टेक्निकल पे आप हमें मेल करें, व्हाट्सएप करें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, रेजर पे लिंक पर क्लिक करके सर्विस को एक्टिवेट करें और पाएं उन स्टॉक्स के बारे में जानकारी जो आपको बहुत ही कम समय में 20% से 30% तक का रिटर्न दे सकते हैं और मल्टीबैगर स्टॉक्स हैं। YouTube चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, ग्रो करके अर्न भी करना चाहते हैं, तो हमारी एक्सपर्ट टीम को कॉल करें। अपने प्रोडक्ट और सर्विस का एडवर्टीजमेंट प्रमोशन हमारे YouTube चैनल के माध्यम से करें और अपना बिजनेस ग्रो करें। सब्सक्राइब कर लीजिए इस YouTube चैनल को, जिससे कि स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट अपडेट एंड न्यूज आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और पाएं रिवार्ड्स, उन स्टॉक्स के बारे में जानकारी जो कि आपको बहुत ही कम समय में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। CSB बैंक एक प्राइवेट बैंक है जो कि पर्सनल बैंकिंग की सुविधाएं देती है, जैसे कि सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, NRI बैंकिंग की सुविधाएं देती है, एग्री फाइनेंस कराती है, SME बैंकिंग और कॉरपोरेट बैंकिंग की सुविधाएं भी देती है। इसमें आप व्हाट्सएप से भी बैंकिंग कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं, कई सुविधाएं हैं इस बैंकिंग में। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बैंक में आप के शेयर कैसे खरीदें और कैसे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ग्रो की वेबसाइट में जाएं। CSB बैंक, इसका करंट मार्केट प्राइस है 212 रुपीज़ 10 पैसा। एक दिन में 0.54% की गिरावट है। बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। 1 वीक में 0.42% की गिरावट, 1 मंथ में 16.23% गिर चुका है ये स्टॉक, 1 ईयर में 19.22% की गिरावट, 3 ईयर्स में 22.87% की गिरावट और ये स्टॉक का जो चार्ट है आपको 6 दिसंबर 2019 से अवेलेबल है। 2 साल हो चुका है और 22.87% की गिरावट हो चुकी है इस स्टॉक में। चलिए इसकी परफॉर्मेंस बता देते हैं। 52 वीक लो 201 रुपीज़ का है, 52 वीक हाई 374 रुपीज़ का है। 52 वीक हाई से इस स्टॉक में एक बड़ी गिरावट हो चुकी है जो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। फंडामेंटल्स देखिए, मार्केट कैप 3593 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी है। पी रेशो 16.94 है, पी वी रेशियो 1.70 है और इंडस्ट्री पी 12.71 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10.55% है, EPS 21.37 है, डिविडेंड यील्ड नहीं है इसकी क्योंकि डिविडेंड नहीं देते हैं ये स्टॉक, बुक वैल्यू 136.16 की है। फाइनेंशियल देखिए, लगभग फ्लैट बने हुए हैं इनके रेवेन्यू, प्रॉफिट में तेजी दिख रही है, हर एक क्वार्टर में इनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, नेटवर्थ में भी इजाफा है, ईयरली नेटवर्थ देखिए तेजी से ग्रो हो रहे हैं, प्रॉफिट जो पहले नेगेटिव थे अब पॉजिटिव हो चुके हैं, रेवेन्यू जो है वो भी तेजी से ग्रो हो रही है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन CSB बैंक लिमिटेड के नाम से है। मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राजेंद्र राजेंद्रन है। कंपनी स्थापित हुई 1920 में। NSE सिंबल है CSB बैंक।
शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालें तो प्रोमोटर्स के पास है 49.72% की होल्डिंग, रिटेल एंड अदर्स के पास है 34.79% की होल्डिंग और म्यूचुअल फंड्स के पास है 9.23% की होल्डिंग। टॉप म्यूचुअल फंड्स सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज के पास 2.83% की होल्डिंग, यूनियन स्मॉल कैप के पास 2.55% की होल्डिंग और एडलवाइस स्मॉल कैप के पास 1.24% की होल्डिंग है। एसबीआई स्मॉल कैप के पास 1.23% की होल्डिंग है। इसी की जैसे दूसरे बैंकिंग स्टॉक्स हैं जैसे बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। चलिए इस बैंक में क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है, क्या इवेंट्स हो रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। बोर्ड मीटिंग 21 जनवरी 2022 को हो चुकी है, डिविडेंड नहीं देते हैं ये स्टॉक। न्यूज़ क्या निकल कर आ रही है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। सीएसबी बैंक लुकिंग टू ग्रो बैलेंस शीट, प्रलय मंडल। प्रलय मंडल के अनुसार सीएसबी बैंक की जो बैलेंस शीट है ग्रो कर रही है। सीएसबी बैंक रिड्यूस एमसीएलआर रेट ऑफ ओवरनाइट टेनोर, तो ओवरनाइट टेनोर के लिए सीएसबी बैंक ने रिड्यूस कर दिया है एमसीएलआर। सीएसबी बैंक अपॉइंट्स शरद कुमार सक्सेना एज एडिशनल डायरेक्टर फॉर 3 ईयर टर्म्स, तो 3 सालों के लिए शरद कुमार सीएसबी बैंक ने। ये कुछ न्यूज हैं जो बैंक से रिलेटेड। टारगेट भी बता देते हैं कि क्या टारगेट निकल कर आ रहे हैं। तो सीएसबी बैंक को खरीदने की सलाह दी है एडलवाइसिस ने और इसके टारगेट दिए हैं 344 रुपीज। इस टारगेट के लिए आपको 1 ईयर के लिए वेट करना पड़ सकता है और जब भी 344 के टारगेट आ जाते हैं तो आप इसमें प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। तो चलिए इस बैंक के बारे में हम और भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जैसे पर्सनल बैंकिंग में कौन कौन से अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप सीएसबी बैंक में, तो आप इसमें सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, और सीएसबी विंक है, लोन ले सकते हैं जैसे गोल्ड लोन, रिटेल लोन्स, टू व्हीलर लोन्स, एमएसएमई स्मॉल बिजनेस लोन, बेस रेट सर्विस चार्जेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई फॉर लोन ऑनलाइन है। स्मॉल बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, होम लोन और व्हीकल लोन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेक्स के लिए आप आउटवर्ड रिमिटेंस, फॉरेन करेंसी कैश, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी, इंश्योरेंस भी ले सकते हैं इस बैंक से, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बारे में भी ये स्कीम्स चलाते हैं। इन्वेस्टमेंट में आप सीएसबी बैंक के साथ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, जीएसटी इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल एक्सेस के तहत डिजिटल सर्विसेज देती है बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन पर्सनल पासवर्ड पिन जनरेट कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी निकाल सकते हैं, वीजा कार्ड के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ये बैंक कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज भी देती है जैसे कि इंस्टा पे, फी कलेक्शन, आधार एनरोलमेंट सेंटर्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट सर्विसेज हैं इनके पास, डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस है और डोनेशन एंड ऑफरिंग्स के भी लिए भी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। तो बहुत अच्छी बैंक है, पूरी तरह से डिजिटल है, घर बैठे आप बहुत सारे काम निपटा सकते हैं। एनआरआई बैंकिंग की सुविधा भी देती है जैसे कि एनआरओ अकाउंट, एनआरई अकाउंट, एफसीएनआर अकाउंट, आरएफसी अकाउंट, लोन्स भी देती है एनआरआई को। फॉरेक्स से रिलेटेड काम कर सकते हैं जैसे रिमिटेंस सर्विसेज, फॉरेक्स रेट्स, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी, इंश्योरेंस है एनआरआई के लिए जैसे लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। डिजिटल एक्सेस भी कर सकते हैं एनआरआई जैसे डिजिटल सर्विसेज, ऑनलाइन बैंकिंग रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन पासवर्ड, बैलेंस इंक्वायरी, वीजा कार्ड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एनआरआई। एनआरआई के लिए कुछ वैल्यू एडिड सर्विसेज भी हैं जैसे आधार एनरोलमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कर सकते हैं। कौन कौन सी एग्री सुविधाएं हैं जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन में PMJJBY, PMSBY, APY, गवर्नमेंट स्कीम्स सब्सिडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्री बैंकिंग में